नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगह के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उस जगह की पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, वहां पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और ओवरऑल आपका वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। और यदि आप दिल्ली में रहने के और भी वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के चीपेस्ट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लाला झम्मन लाल धर्मशाला के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो तेलीवारा चौक सदर बाजार में यह पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि सदर बाजार दिल्ली का एक बहुत ही बेहतरीन होलसेल मार्केट है। यदि आप कुछ भी थोक में अपने दुकानों के लिए खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह बहुत कम दिल्ली में अवेलेबल है, तो उसके लिए भी यह धर्मशाला काफी बेहतर है। और आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 30,000 है, जो कि रेड लाइन में पड़ता है, तो उससे इसकी दूरी 1.3 किलोमीटर है। तो 17 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं, या फिर वहां से आपको इस सदर बाजार के लिए ऑटो भी मिल जाएगा, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब आती है आपको यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 180 रुपीस में आपको एक बेड मिल जाएगा, एक बेड का रूम। यदि यहाँ पे एक बेड सिंगल बेड का रूम अवेलेबल नहीं होता है तो आपको तो भी 160 रुपया ही पे करना पड़ता है, तो आपको डबल बेड का रूम दे दिया जाता है। यदि कोई आता है तो मे बी आपको उसके साथ शेयरिंग करना पड़े, अगर कोई नहीं आता है तो आप अकेले वहां रहेंगे तो भी आपको 180 ही पे करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं यहाँ पे आप आकर कुछ काम करना चाहते हैं और आपके पास कुछ सामान है, तो 160 रुपीज में आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हैं, 110 रुपीज में आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हैं और अपना सामान रख के जा सकते हैं। यहाँ पे चेकआउट टाइम 10 o'clock होता है, यदि आप कुछ कहेंगे तो 10:30 तक आपको मैक्सिमम यहाँ पे चेकआउट कर देना पड़ता है। यदि ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो 3.6 इसका ओवरऑल रेटिंग है, जिसमें 365 लोगों ने इसे रेट किया है। कुछ लोगों की रेटिंग इसलिए खराब है ना, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग वॉशरूम होता है। यदि आपको शेयरिंग वॉशरूम पसंद नहीं है, और आपको पता ही है जब वॉशरूम शेयरिंग होता है तो उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहाँ पे शेयरिंग वॉशरूम है तो हाइजीन का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसके कारण इसे बहुत लोग अच्छा रेट नहीं किया और उसके हाइजीन पे सवाल उठाए। वैसे ओवरऑल धर्मशाला काफी साफ सुथरा होता है, सिक्योरिटी काफी बेहतर है, लेकिन हाइजीन का आपको कुछ इशू महसूस हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर इससे आपकी मदद हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके अपने सजेशन लिखे जिससे औरों की मदद हो पाएगी। धन्यवाद।